इसी महीने की शुरुआत में यानी 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर अचानक 5000 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ दी थी। इस हमले में कई मासूम लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से ही जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर हमले किए जा रहे हैं। इस युद्ध को शुरू हुए लगभग 20 दिन होने वाले हैं, लेकिन अब तक ना इसराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही हमास। ऐसा लग रहा है कि मानो इसराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने की ठान ली है। इसराइल चाहता है कि गाजा पट्टी में मौजूद फिलिस्तीनी नागरिक उस इलाके को खाली कर सुरक्षित क्षेत्र में चले जाए, ताकि इजरायली सैनिक जमीनी जंग की तैयारी कर सके। लेकिन गाजा के मुस्लिम इस वक्त इसी पसोपेश में हैं कि वह यहां से निकलकर कहां शरण लें। इतना तो तय है कि इजरायल में इन मुस्लिम शरणार्थियों को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि गाजा पट्टी के आसपास का कोई भी मुस्लिम देश इन युद्ध पीड़ितों को अपने देश में शरण देने के लिए तैयार नहीं है। मिस्र और अरब देशों ने भी गाजा के मुस्लिम शरणार्थियों के मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं। जॉर्डन में पहले से ही बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी आबादी है। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर मिस्र और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देश के लोग भी गाजा की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये गाजा पट्टी है क्या। फिलिस्तीन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलम। गाजा दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। गाजा पट्टी इसराइल के दक्षिण पश्चिम में 45 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यह इलाका इसराइल, भूमध्य सागर और मिस्र से घिरा हुआ है। इस इलाकों पर चरमपंथी समूह हमास का कंट्रोल है, लेकिन इसकी सीमाओं को इसराइल ने ब्लॉक किया हुआ है। इस क्षेत्र में पानी और बिजली के आने जाने पर भी इसराइल के परमिशन की जरूरत होती है। हमास ने 7 अक्टूबर को इसी जगह से इसराइल पर हमला किया था। मुख्य रूप से गाजा पट्टी के 5 प्रांत हैं: दीर अल बला, उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, खान यूनिस और राफा। गाजा पट्टी के जमीन पर इसके 3 क्रॉसिंग बॉर्डर हैं। इन तीनों में से 2 पर तो इसराइल का ही कंट्रोल है और तीसरी क्रॉसिंग पर मिस्र का कंट्रोल है। मिस्र के कंट्रोल वाला बॉर्डर यानी राफा क्रॉसिंग बॉर्डर इस युद्ध के बाद से ही चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि फिलिस्तीनियों के पास फिलहाल गाजा पट्टी से निकलने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। अब सवाल ये उठता है कि गाजा के शरणार्थियों को जॉर्डन और मिस्र अपने देश में क्यों शरण नहीं दे पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इस पूरे युद्ध और मिस्र में शरण नहीं देने के मामले में अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान युद्ध का उद्देश्य सिर्फ हमास से लड़ना नहीं है, बल्कि नागरिक निवासियों को मिस्र की ओर पलायन करने के लिए मजबूर करने का भी एक प्रयास है। मिस्र के राष्ट्रपति ने इस बयान के साथ इसराइल को चेतावनी भी दे दी कि अगर इसराइल ऐसा ही करता रहा तो इस क्षेत्र में शांति भंग हो सकती है। मिस्र के इस बयान के ठीक एक दिन बाद जॉर्डन के किंग अब्दुल द्वितीय ने इसी तरह का एक संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध के शरणार्थियों को जॉर्डन और मिस्र में नहीं घुसने देंगे। किंग ने कहा था कि मानवीय आधार पर शरणार्थियों को कहीं रखना है तो गाजा या फिर वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन में ही कहीं रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मिस्र, जो बढ़ते आर्थिक संकट से जूझ रहा है, पहले से ही 9 मिलियन शरणार्थियों और प्रवासियों की मेजबानी करता है, जिनमें लगभग 3 लाख सूडानी शरणार्थी भी शामिल है, जो इसी साल अपने देश के युद्ध से भाग कर मिस्र पहुंचे थे। इसके अलावा अरब देश और कई फिलिस्तीनियों को इस बात का भी शक है कि इसराइल इस मौके का इस्तेमाल स्थायी रूप से जनसांख्यिकी बदलाव के लिए करेगा। आसान भाषा में समझें तो इसराइल फिलिस्तीनियों को वहां से हटा के यहूदियों को बसा देना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो फिलिस्तीनी गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्व यरूशलम को जो अपना देश बनाने की मांग कर रहे थे, वह मांग भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में एक वरिष्ठ फेलो H.A. हेलियर एसोसिएट ने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा था कि अगर पहले ही बातचीत करके फिलिस्तीन को एक अलग देश बनाने की मांग पर ध्यान दिया गया होता तो इस युद्ध की शुरुआत ही नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि सभी ऐतिहासिक मिसालें इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि जब फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो उन्हें वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाती, और ऐसे में मिस्र नहीं चाहता कि गाजा में फिलिस्तीनियों को सफाया करने का एक भी मौका इसराइल को दिया जा सके। इसके अलावा मिस्र का ये भी कहना है कि गाजा से बड़े पैमाने पर पलायन हमास या अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादियों को उसकी धरती पर ला सकता है और हमास संगठन के लोग सिनाई में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। बता दें कि सिनाई वह क्षेत्र है जहाँ मिस्र की सेना ने सालों तक इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ
लड़ाई लड़ी थी। एक समय में हमास पर उसका समर्थन करने का आरोप भी लगाया गया था। फिलिस्तीनियों के विस्थापन का एक पुराना इतिहास रहा है। साल 1948 में जब इसराइल बना था, उस वक्त भी एक युद्ध के दौरान लगभग 7 लाख फिलिस्तीनियों ने देश छोड़ दिया था। इसके बाद साल 1967 में मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध हुए। इस युद्ध में इसराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में लगभग 3 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी वहां से विस्थापित हुए थे। इन शरणार्थियों में ज्यादातर लोग जॉर्डन पहुंचे थे, जो आज भी वहीं रह रहे हैं। वर्तमान में 6 मिलियन से ज्यादा शरणार्थी और उनके वंशज वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के शिविरों और समुदायों में रहते हैं। कई शरणार्थी तो खाड़ी अरब देशों या पश्चिम में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 3.1 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थी UNRWA द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों को राहत और मानव विकास का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1949 में ये एजेंसी बनाई गई थी। UNRWA की शरणार्थी की परिभाषा में वो फिलिस्तीनी शामिल हैं जो साल 1948 के युद्ध के दौरान भाग गए थे या अपने घरों से निकाल दिए गए थे।